हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिशान नाम का मतलब। अगर आप अपने बच्चे का नाम रिशान रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसका मतलब जान लेना ज़रूरी है। आपको बता दें कि रिशान का मतलब भगवान शिव, अच्छा इंसान, मजबूत, अच्छा होता है। अपनी संतान को रिशान नाम देकर आप उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपको बता दें कि अपने शिशु को रिशान नाम देकर आप उसके जीवन में सकारात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। नाम का मतलब भगवान शिव, अच्छा इंसान, मजबूत, अच्छा होने की वजह से रिशान नाम के लोगों को समाज में भी बहुत पसंद किया जाता है। कुछ सामाजिक अवधारणाओं के अनुसार रिशान नाम का अर्थ व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा होता है, यानी कि रिशान नाम का अर्थ भगवान शिव, अच्छा इंसान, मजबूत, अच्छा है तो आपके स्वभाव में भी इसकी झलक दिखेगी। रिशान नाम की राशि तुला होती है। शुक्र ग्रह तुला पर शासन करता है। कुल स्वामिनी को तुला राशि का आराध्य माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति ठंडी और सुहावनी रातों वाले मौसम में पैदा होते हैं। इस राशि के रिशान नाम के लड़के भोले भाले होते हैं। इस राशि के व्यक्ति एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत, किडनी और अंडाशय संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तुला राशि के व्यक्ति एनीमिया और पेट दर्द आदि समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। ये परिवार या सगे संबंधियों के लिए कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटते। रिशान नाम का शुभ अंक। यदि आपका नाम रिशान है तो आपका राशि ग्रह शुक्र और शुभ अंक 6 होता है। जिनका अंक 6 होता है वे बहुत आकर्षक व खूबसूरत होते हैं। यह स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और कला के क्षेत्र में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करके सफल होते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति घूमने के शौकीन होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। इनका जीवन समृद्धि से भरा होता है एवं रिशान नाम के लोगों को धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। रिशान नाम के लोगों को बहुत प्यार मिलता है और इन्हें परिवार से भी पूरा सहयोग मिलता है। रिशान नाम के व्यक्ति का व्यक्तित्व। रिशान नाम वाले लोग तुला राशि के होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और इसीलिए इनमें संतुलन की कमी होती है। ये लोग ज़रूरतों और अपनी चाहतों के मुताबिक सोच बदल लेते हैं। तुला राशि के लोग तर्क वितर्क करने में सबसे आगे रहते हैं और हमेशा दूर की सोचते हैं। रिशान नाम के लोग बहुत नर्म होते हैं और ये अपने आप को किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचाते हैं ताकि उसकी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। ये व्यक्ति हमेशा लोगों और चीज़ों की आपस में तुलना करते रहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।